वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2020 देखेंगे, जो कि पिछले 5-6 महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये वीडियो होगा। इसमें हम लोग जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक साथ एक ही वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। अभी इस ऐप में थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है, आने वाले दिनों में इसके कुछ अपडेटेड वर्जन आ जाएंगे, जिसमें आपको पीडीएफ का जो इशू है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी टॉप 650 क्वेश्चन, यानी लगभग 650 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, धानु जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। 28वें थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को नियुक्त किया गया। इसके बाद है, दृष्टिहीनों के लिए किसने मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मनी ऐप को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो उम्र है यहाँ पर 65 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफस्पा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुरुआत जनवरी से हो रही है, और धीरे धीरे ये आखिरी के महीनों तक पहुँचेगा, मई जून तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है S. सौम्या को। और इसके बाद क्वेश्चन है, इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से जितने लोगों को चुना है? तो आंसर होगा टोटल 4 लोगों को चुना गया था। यूनिसेफ के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि नववर्ष पर किस देश में सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ? तो ये जो है भारत में, और ये किसका डेटा है? यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में रीफ टॉक्सिक जो सनस्क्रीन है उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा पलाऊ। नेक्स्ट यहाँ पर है, RBI ने हाल ही में जिस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसकी मदद से दृष्टि बाधित लोग भी करेंसी नोट को पहचान सकेंगे, उसका मूल्य जान सकेंगे, तो आंसर है ये मनी। जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, मनी ऐप किसने लॉन्च किया? RBI ने लॉन्च किया है। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसके बाद यानी ये वही है RPF, जिसको रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं, RPF, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसके बाद क्वेश्चन है, खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किन दो प्रतियोगिता को पहली बार शामिल किया गया है? तो आंसर होगा लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 107वां संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट था, बेंगलोर में आयोजित किया गया था। इससे पहले 106वां जो था वो पंजाब में किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस से जितने भी संस्करण आए वो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, इसके बाद है, किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? पीयूष जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। WHO ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? वर्ष 2020 को। हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा आयुषी ढोलकिया ने। UN ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी यानी मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है? तो आंसर होगा मलाला यूसुफ जई को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इनका नाम अमिताभ बच्चन है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, वह लेखक जिसको हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 दिया गया है,
तो आंसर होगा ज्ञान रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। हाल ही में अमेरिका के द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में ईरान का जनरल जो मारा गया, उसका नाम क्या था? जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि वहाँ का शीर्ष कमांडर था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा इसका दामिनी। इसके बाद प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा आर रामानुजम। इसके बाद यहाँ पर है, उमारो सिसोको एम्बालो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? गिनी बिसाऊ। इसके बाद है, देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने इंद्रधनुष 2.0 जो है ये शुरुआत की है, इससे पहले इंद्रधनुष 1.0 था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता? तो आंसर है पी मंगेश चंद्रन। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, किस देश ने यह घोषणा की है कि वह 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन नहीं करेगा? तो आंसर है ईरान। भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। इसके बाद है, वह स्थान जहां भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है भागलपुर। भागलपुर कहां पर है? ये बिहार में है। तो आप बिहार भी याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है किस राज्य में, तो बिहार। नेक्स्ट है, निर्भया मामले में जितने आरोपियों को कोर्ट के द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था? तो आंसर होगा 4। हालांकि इसमें देरी हुई थी, जनवरी में ये नहीं मिल सकी इनको फांसी। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है, कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विमोचन किया गया, यह किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है? तो याद रखना है, कर्म योद्धा ग्रंथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था। किसी क्वेश्चन को बार बार बदल करके भी पूछा गया। कर्म योद्धा ग्रंथ को किसने विमोचन किया? विमोचन किसने किया? अमित शाह ने किया। किस पर आधारित पुस्तक है? ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो आधारित पुस्तक का जब सवाल आपसे पूछेगा, नरेंद्र मोदी इसका आंसर होगा कि किस व्यक्तित्व पर आधारित है? नरेंद्र मोदी पर। और इसको विमोचन किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए? तो आंसर होगा ईरान। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की गई है? गोरखपुर। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आंसर होगा पुणे। और ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने किसान नवोन्मोष कोष की स्थापना किस शहर में करने की घोषणा की है? तो ये जो फंड है, इसको जिसकी घोषणा की गई है, ये नई दिल्ली में की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने किया ये घोषणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो ये आंसर होगा गुजरात। और ईरान ने हाल ही में जिस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया, तो आंसर होगा इराक। इसके बाद है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय मूल की लेखिका जिसे हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये इनका नाम है जसविंदर बिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नासा के उपग्रह टेस ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के जिस ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? TOI-700D। इसके बाद प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगा है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, नाम याद रखिएगा, महिला भारोत्तोलक है, नाम है इनका सरबजीत कौर। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पर यह प्रतिबंध लगाया है।
अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए सामिया नसीम को जज के पद पर नियुक्त किया है। वह किस देश से संबंध रखती हैं? सामिया नसीम जो है एक भारतीय हैं और भारत में गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, जिस किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद प्रश्न यहाँ पर है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया। मिताली राज की बायोपिक फिल्म शाबाश मिठू के निर्देशक कौन है? तो आंसर होगा राहुल ढोलकिया। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। मार्च 2020 में किसने, विशाखापट्टनम ने किया है इसका मिलन का। उसके बाद है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? तो इसके शीर्षक है गुल मकई। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया? तो आंसर होगा केरल। इसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। ICC का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? बेन स्टॉक्स को। और ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? तो ये आंसर होगा विराट कोहली को। और ICC का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर 2019 के लिए किसे चुना गया? रोहित शर्मा को। ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, किसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक चयनित किया गया? AP महेश्वरी को। किस राज्य ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार संगी ऐप जो है ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, रोजगार संगी ऐप। इसके बाद है, रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? मिखाइल वी मिशुस्तिन को। इसके बाद है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? मूवी का नाम 1917। क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बन गया? लियो कार्टर। और हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान के लिए किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनॉट का सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा भारत। और किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि वह भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी? तो आंसर है अमेजॉन। इसके बाद है, भारत सरकार के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया? आंसर होगा सक्षम। इसके बाद है, कैफी आजमी की 101वीं जयंती कब मनाई गई है? 14 जनवरी 2020 को मनाई गई। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। इसके बाद है, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? इनका नाम है कैप्टन तान्या शेरगिल। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया गया? आंसर होगा जापान। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? लखनऊ में किया गया। किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक को पारित किया? तो आंसर होगा तिब्बत। इसके बाद प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है? K9 वज्र। इसके बाद है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, 84वां। इसके बाद है, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से Ariane 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है? तो आंसर होगा GSAT-30। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक है? तो ये केरल में है, मलप्पुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मिहिर शाह को। और किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? आंसर होगा गिरीश कुमार। भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? 8 अजूबों में। यानी भारत का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 8वें 8 अजूबे के अंदर एक है।
इसके बाद यहाँ पर है किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, माइकल देवव्रत पात्रा को। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, आंसर होगा 15 लाख रुपए। इसके बाद प्रश्न है, ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है, आंसर है कीमिया अलीजादे। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह को। इसके बाद प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यानी 79 ईयर्स की उम्र में इनका जो निधन हुआ, ये ओमान के थे, ठीक है, इनका नाम सुल्तान कबूस बिन सैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता गया है इनके द्वारा। हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है, 630 करोड़ रुपए। इसके बाद है, कौन सी राज्य सरकार जो है राज्य के पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के लिए योजना बना रही है, तो आंसर होगा राजस्थान। किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे, क्रिकेट से जुड़े हुए थे। भारतीय तीरंदाजी संघ AAAI, ठीक है, AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अर्जुन मुंडा को। इसके बाद यहाँ पर भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल जनरल SK सैनी को। इसके बाद है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, आंसर होगा किरण मजूमदार शो। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, JP नड्डा को। इससे पहले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। हाल ही में दक्षिण भारत को Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन मिला है, इसे किस मिसाइल से लैस किया गया है, ब्रह्मोस से किया गया लैस। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानी होगी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है 76वां स्थान। इसके बाद क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया, 6.1% से घटाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया है। देखिए, ये जो है आंकड़ा, ये जनवरी फरवरी का है, इसके बाद आगे जो डेटा है वो चेंज हो गया होगा, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आगे के क्वेश्चंस कुछ और इस तरह से मिल सकते हैं नए, ठीक है, तो आप इसको करंट के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी ये जनवरी फरवरी का है, जब लेटेस्ट होगा वो मई जून में आपको ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान जो लगाया था वो 4.8%, जो पहले 6.1 था उसको घटाकर 4.8 किया गया। अब कोरोना वायरस की तरह से के चलते COVID-19 की वजह से ये आंकड़े जो है ये और कम हो सकते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों में से कुल कितने बच्चों को चुना है, तो 22 बच्चों को चुना गया है। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है, दीपा मलिक को। इसके बाद क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है, तेलंगाना। इसके बाद है, भारत का कौन सा शहर JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर रहा, आंसर होगा हैदराबाद। और किस देश में वर्ष 2020 की
जनगणना में पहली बार सिखों की गिनती को एक अलग जातीय समूह के तौर पर जो है उसकी गिनती की जाएगी, तो आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में किस वायरस के कारण चीन में काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, तो आंसर होगा कोरोना वायरस। और ये अब सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, आप सभी इसको जानते हैं, नोवल कोरोना वायरस को आप सभी लोग जानते हैं, हमारा देश भी इसकी चपेट में है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया है? 24 जनवरी को। देखिए NCOV इसका जो शॉर्ट नेम है, नोवल कोरोना वायरस का, COVID-19 भी इस बीमारी को हम लोग इस आपदा को जानते हैं COVID-19 के नाम से, और इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इस पर एक अलग से टॉपिक हम बना कराएंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें सभी प्रश्न अलग से इकट्ठे होंगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया? आंसर होगा म्यांमार। इसके बाद प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो असम इसका आंसर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? आंसर होगा नाइजीरिया। किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC-141B को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? आंसर होगा भारत। और दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? आंसर होगा गुयाना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है? तो ऑक्सफेम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यदा यदा वायरस का नाम दिया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई है? 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 72। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 51वें स्थान पर है। किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक रूप से अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति है उसके कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल इसका आंसर होगा। हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक ने किस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? तो ये होगा सूरीनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये होगा नेपाल। इसके बाद है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया? आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी? एयर इंडिया इसका आंसर होगा। उसके बाद है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया गया है ये। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी यानी येलो कोड वेदर वार्निंग जारी की थी? तो ये आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका। उसके बाद है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे, जेयर बोल्सनारो इनका नाम था। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा असम। उसके बाद क्वेश्चन है, कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद है, यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की है? तो आंसर है कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा गुजरात। इसके बाद प्रश्न है, फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में
हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रवि यादव, ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुनीता चंद्रा, जिनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इनका निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी, ये पूछा गया है। आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस महान NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? आंसर होगा कोबी ब्रायंट। इसके बाद है, भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन डोज आपूर्ति की है? आंसर होगा मालदीव को दिया है ये भारत ने। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो आंसर है नीरज चोपड़ा। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किया है? तो आंसर होगा 6। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो है ऑक्सफोर्ड के लिए हिंदी शब्द को चुना गया, किसको? संविधान, ये वर्ड है संविधान, जिसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ऑपरेशन वनीला आरंभ किया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा मेडागास्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की गीता सब्रवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉम टॉम के द्वारा जारी ट्रैफिक जो ट्रैफिक रिपोर्ट है इंडेक्स 2019, उसके मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। इसके बाद है, विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2019 में किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये 63वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया गया था? तो 6 से 6.5% का ये अनुमान लगाया गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में। इसी आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011 से 12 से लेकर 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई है? तो 2.62 करोड़। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में भारत में कितनी नई कंपनियों का गठन हुआ है? 1,24,000। और आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइन आप इसको कहिए, भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस जो है किस नाम से दर्शाया गया है? थालीनोमिक्स। इसके बाद क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में GDP के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है, 5th पोजीशन पर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास संप्रति 9 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा मेघालय। WHO ने किस विषाणु के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कोरोना वायरस। इसके बाद है, 2020 के राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा के पणजी में। और फिर क्वेश्चन पूछा गया, 2020 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो यह शुभंकर है रूबी गुला, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल या फिर कलगी बुलबुल। तो ये तीनों नाम एक ही है, इसको याद रखिएगा। IBM के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अरविंद कृष्णा को। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में एकशी पुस्तक मेले का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो शेख हसीना। इसके बाद है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह है मध्य प्रदेश का। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव सर्वेक्षण में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा श्रीलंका। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2019, 2020 और 2021, इन तीनों वर्ष के लिए निर्धारित थीम थी, यानी 2019 के लिए भी वही थीम होगी, 2020 के लिए भी वही और 21 के लिए भी वही। तो आने वाले जो ये 2 वर्ष हैं, 19 और 20 तो हो गया, 21 के लिए यानी जो 2020 और 2021 के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, तो आई एम एंड आई विल, ये आपको याद रखना है, 2021 तक यही थीम रहेगी।
अगला प्रश्न यहाँ पर, राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला जो 54वां सदस्य देश है वो कौन है? तो वो है मालदीव। इसके बाद सीबीआईसी, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? एम अजीत कुमार। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद तौफीक अलावी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? ब्लू इज लाइक, ये एक पुस्तक, ब्लू इज लाइक ब्लू, ये एक पुस्तक है और ये विनोद शुक्ल की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए हैं? शक्तिकांत दास, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। भारत में क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका किसने विकसित किया है? ये सवाल पूछा गया है, आंसर होगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, किस देश के सतत विकास टैक्स लागू करने के बाद भारत की फ्री एंट्री जो है वो खत्म हो गई है? तो आंसर इसका क्या होगा? भूटान। भूटान ने सतत विकास टैक्स लागू किया है जिसके कारण भारत की फ्री एंट्री खत्म हो गई है। अयोध्या में जो राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी से लेकर है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो के पराशरन इसका नाम होगा। उसके बाद इसके अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? महंत नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए किस देश के ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है? तो ये नेपाल ने कराया, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो नेपाल ने कराया और इसी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? आंसर होगा दीपा मलिक। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? तो आंसर होगा मो ओब्रायन, ठीक है। अंतःप्रज्ञा जो मेला है 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था तेलंगाना में और इसकी थीम आपको याद रखना है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 21वां काला घोड़ा कला महोत्सव, 21वां काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन जो किया गया है, 11वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पर किया गया? लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसी डेफ एक्सपो से एक सवाल और पूछा जा सकता है कि 2020 डेफ एक्सपो का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, कैबिनेट के द्वारा नए पोर्ट वधावन की स्थापना को मंजूरी दी गई है, यह कहाँ पर स्थापित होगा? तो देखिए, महाराष्ट्र में एक जगह है दहानू, दहानू में इसको स्थापित किया जाएगा। विश्व स्तर पर महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? 6 फरवरी को। और इसके लिए 2020 की जो विषय था इसका, अनलीशिंग यूथ पावर। उसके बाद क्वेश्चन है, किसने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया है? यूनेस्को ने, ठीक है। प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वर्ष 2020 के लिए भारत को 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल्स ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा रूस। आईओसी ने कच्चे तेल के लिए रूस के साथ समझौता किया है 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल ग्रेड कच्चे तेल के लिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, किसको दिया गया है? डॉक्टर धर्म शक्तू को। और किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है? तो जन सेवक योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? 40वां रहा है। इसमें नंबर 1 पर अमेरिका रहा, दूसरे नंबर पर जो है वो ब्रिटेन रहा, तीसरे नंबर पर स्वीडन रहा, भारत की रैंक 40वीं थी। क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन इसमें नंबर 1 पर है, जापान जो है वो तीसरे नंबर पर है, भारत के बारे में आपको बताया कि यह दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का संचालन किसने किया है? तो आरबीआई ने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का विषय क्या था?
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग MSMEs कहते हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की द्वारा आयोजित सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन की मेजबानी किसने की? आंसर होगा लखनऊ। 11वें डेफ एक्सपो के अवसर पर, ठीक है, हॉकी, ये 11वें डेफ एक्सपो के अवसर पर जो है इसको लॉन्च किया गया था सम्मेलन की, ये मेजबानी जो है 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन की मेजबानी डेफ एक्सपो के अवसर पर ही की गई थी लखनऊ में, जो कि 11वां डेफ एक्सपो था। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI ने कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो 7, और ये 7 जगह कौन कौन सी है? एक तो आपको याद रखना बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, नई दिल्ली, उसके बाद उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में है, इम्फाल मणिपुर में, पुणे महाराष्ट्र और झारखंड, इन 7 जगहों पर हॉकी परफॉर्मेंस सेंटर्स बनेगी। उसके बाद 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो केरल के कोच्चि में। इसका जो विषय है 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का, ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। इसके बाद प्रश्न है, किस देश में भारतीय मूल के वैज्ञानिक SS वासन की टीम ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के जो करीब पहुंची? तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। उसके बाद है, किस राज्य के में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? भारत के पहला दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? भारतीय सेना ने किया है, और इसमें भी अगर डिटेल में अगर आपसे ऑप्शन में हो तो मेजर अनूप मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट्सएप को UPI सेवा के विस्तार की मंजूरी किसने दी? NPCI ने दी है, ठीक है। कमेंट में आप सभी बताइएगा NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बैंकिंग टर्म है जैसे UPI है उसी तरह से NPCI है, तो NPCI का आपको फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऋषभ पंत। और किस राज्य सरकार ने गाँव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश ने। क्रिस्टीना कोच ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिनों तक रहने के बाद किस देश में लैंड किया? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना? तो अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता बांग्लादेश बना, और ऐसा करने वाला बांग्लादेश जो है वो पहली बार ऐसा किया है बांग्लादेश ने, यानी इससे पहले कभी भी अंडर 19 विश्व कप को बांग्लादेश ने जीता नहीं था। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? पुलेला गोपीचंद को, जो कि भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच हैं। इसके बाद यहाँ पर वार्षिक अफ्रीकी संघ का 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अदीस अबाबा में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सिरिल रामफोसा ने। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रविदास जयंती कब मनाई गई? तो 9 फरवरी को मनाई गई। जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया गया? 400 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश की उपराष्ट्रपति डैंग थाई गॉक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर थी? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। इसके बाद क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा, हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का प्रमुख उत्सव है, ठीक है, लेकिन किस राज्य में पहली बार ये हाल ही में मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा आंसर होगा। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के जीवन पर आधारित फिल्म का पहला भाग जारी हुआ, इस फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म का नाम है APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन, ठीक है, इसका पहला भाग जारी हुआ है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन गई है? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की? आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई ने। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अरुण जेटली, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया मुंबई में। इस सम्मेलन का विषय है India 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी NGEXPO 2020 के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर होगा गुजरात के बड़ोदरा में।
इसके बाद है किरण रिजिजू ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो इसके लिए जो खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र है वो क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। और इसके लिए एक और योग्यता है जो आपको याद रखना है, ओलंपिक गेम्स खेले हुए होने चाहिए वो खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियन या पैरालंपिक गेम्स में किसी भी तरह से पदक जीत चुके खिलाड़ी को ही ये मिलेगा और उनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल सम्मेलन वाटर, जिसको नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस कहेंगे, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद है WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? COVID-19 यानी COVID-2019। अगला यहाँ पर पहला जेरूस अगला प्रश्न है पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र। इसके बाद प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को। इसके बाद है विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे का 9वां संस्करण कब मनाया गया? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2020 का जो विषय था वो क्या था? रेडियो और विविधता। इसके बाद NSG के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया मानेसर, हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा मुंबई। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 यानी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में। इसके बाद एक बुक है द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र राय। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अतुल कुमार गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मनप्रीत सिंह ने, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ब्रिटेन की किस स्टार्टअप कंपनी ने 34 उपग्रह को एक साथ कक्षा में भेजा? तो ये आंसर होगा वन वेब। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली। ICC एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो विराट कोहली। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा। इसके बाद प्रश्न है ICC एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर कौन है? न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट। दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह। किस राज्य ने अंगा फो हुम्बा धान की एक नई फसल है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा मणिपुर। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन, ठीक है। विदेशी सेवा संस्थान का नाम भी बदला गया है सुषमा जी के नाम पर, तो इसका भी नाम रखा गया है सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। किसका नाम? विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान, और ये प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया? सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया है, ये हरियाणा सरकार ने किया है अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर। इसके बाद यहाँ पर है राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 कब मनाया गया? 13 फरवरी। सरोजिनी नायडू के 141वें जन्म दिवस पर यह मनाया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ऑटो रिक्शा के लिए ऑपरेशन नाकेल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में की गई। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन COP 13 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की देश में अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? जो कि 63 फीट ऊंची प्रतिमा होगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी, आसाम में किया गया, 65th फिल्म फेयर अवार्ड का। इसके बाद है 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गली बॉय को। और 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? रणवीर सिंह को। अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है चेन्नई में हुई 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर होगा सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा ने। आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार कौन सी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने?
तीसरी बार बने हैं, ठीक है। इससे पहले 2 बार वहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन काम करने को मंजूरी दी? ये महाराष्ट्र में। हरियाणा सरकार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्यों के सभी खिलाड़ियों को कितने रुपए देगी? 6 करोड़ रुपए। इसके बाद है, बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य में जैविक खेती के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि को प्रमाणित किया गया है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता है? आंसर है गीता सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार ने भूजल सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने US मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 450 US मिलियन। लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट के लिए किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? राधा किशन दमानी। और गो एयर के नए CEO कौन बने? विनय दुबे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है बिहार ने, बिहार के द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर शुरू की गई है? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इसके बाद है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 94% राजस्व दस्तावेज डिजिटल हो चुका है, यानी इंटरनेट पर वो जो है वो अवेलेबल है? 94% राजस्व दस्तावेज, जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने अमित दहिया पर कितने साल का बैन लगाया है? तो ये 4 साल के लिए इस पर जो है बैन लगाया गया है। ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध जो है भाला फेंक से है, यानी जेवलियन थ्रो से है। इसके बाद क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। इसके बाद है, केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? योद्धा। इसके बाद क्वेश्चन है, किस राज्य में डिफिकल्ट डायलॉग्स का 5वां संस्करण शुरू किया गया? आंसर है गोवा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए 5 मेजबान शहरों के नाम क्या हैं? तो यह अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2020 के टूर्नामेंट का आधिकारिक स्लोगन क्या है? किक ऑफ द ड्रीम, ये इसका आधिकारिक स्लोगन है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में ग्रीको रोमन स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? सुनील कुमार ने। अफगानिस्तान में फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए? अशरफ गनी। और 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव जर्मनी में जो भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन है वो किसने किया था? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बन गई है? आंसर होगा हिंदी। और हाल ही में नेपाल ने कौन सा राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? 70वां। इसके बाद 2022 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश। कपड़ा मंत्रालय ने कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। और इस वर्ष 2020 की जो थीम थी इसके लिए, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, ये इसकी थीम थी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, जिसको कि कार्बन उत्सर्जक कह दें आप, तो इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? 77वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिशिंग इंडेक्स बच्चों के पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक में 2020 में किस स्थान पर रहा? तो यह आंसर होगा 131वां। दिल्ली छावनी में थल सेना भवन की आधारशिला किसने रखी? आंसर होगा राजनाथ सिंह। क्रूज मिसाइल RAD-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। भारत के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मणिपुर में। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? अगरतला में। इसके बाद क्वेश्चन है, किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है, जिसमें 10 रुपये थाली के हिसाब से सस्ता एवं अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन जो है SPMRM के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इनके 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया?
21 फरवरी को यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए जो इस वर्ष का विषय था वो था लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, भाषाओं की कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला के लिए किसे दिया गया है? पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन के से संबंधित हैं। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष के लिए अगर बात करें तो किसे दिया गया? सौरभ चौधरी को, जो कि पिस्टल शूटर हैं। याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें भी पूछी जाती है कई बार कि सौरभ चौधरी का संबंध किससे है या पीवी सिंधु का संबंध किससे है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कटक, उड़ीसा में। हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के द्वारा किस जगह 3,000 टन से अधिक स्वर्ण भंडार खोजा गया है? तो ये आंसर होगा सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के सोने का भंडार। हालांकि बाद में इस कुछ अपडेट आया था कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, एग्जैक्ट डेटा जो है वो अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो कहा जा रहा था कि बाद में वो जो डेटा है वो एग्जैक्ट जो है इतना 3,000 टन का नहीं है, इससे कम का है। तो आप नॉर्मल याद रखिए कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश ये जो है चर्चा में रहा था, जहां पर कुछ स्वर्ण भंडार खोजा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर है, 5G हैकथॉन का शुभारंभ किसने किया है? दूरसंचार विभाग ने। उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? न्यायपालिका और बदलता विश्व। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रॉस टेलर इनका नाम है, न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है तथा उसका नामांकन भी किया है, तो वो किसके नाम पर नामांकन किया है? ग्रेटा थंबर्ग के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गोवा कार्निवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो गोवा कार्निवल जो है गोवा की राजधानी पणजी में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, विश्व कप 2020 के नए फॉर्मेट की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन बना? तो आंसर होगा रूस। 2020 के SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर नीति कुमार को। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? डी गुकेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेटी, जो कि मंडोवी नदी के तट पर स्थित है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर होगा गोवा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता घाट यानी फ्लोटिंग जेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आस्क दिशा चैटबोट का हिंदी संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये रेलवे के द्वारा। इसके बाद है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 की थीम क्या थी? इसका थीम था जेंडर जस्ट वर्ल्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी 2020 को 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे थे। आप सबको पता है, गुजरात के अहमदाबाद में ये आए थे, तो इनके लिए एक एक कार्यक्रम का नाम रखा गया था। इस कार्यक्रम का नाम क्या था? नमस्ते ट्रंप। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये असम में। इसके बाद क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैंपियनशिप लीग की ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब कौन बन गया है? FC गोवा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ओमान के किस क्रिकेटर पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने पर 7 साल का बैन लगाया है? तो आंसर है, इस खिलाड़ी का नाम यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूशी। किसी भी दिव्यांग के द्वारा सबसे कम उम्र में खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिया राय ने। इनकी उम्र है 11 वर्ष। इसके बाद है, मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने पहनाया है, किसे पहनाया गया है? तो नाम है एडलिन कैस्टेलिनो, जो कि कर्नाटक की हैं। अगला प्रश्न है, डेथ एन इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जग्गी वासुदेव। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है?
याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 के लिए जो दादा साहब फाल्के का ये जो मिला है सुपर 30 को मिला है। इसके बाद दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो ऋतिक रोशन को मिला है। और इसी में आगे बात करें, जनवरी 2022 में होने वाली राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो आंसर होगा भारत। यूपीआई को आसान, सुरक्षित और तुरंत भुगतान सुविधा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए यूपीआई चलेगा इंडस्ट्री अभियान की शुरुआत किसने की है? यूपीआई चलेगा ये एक अभियान है, इसकी शुरुआत एनपीसीआई ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेशनल पेमेंट। देखिए, एनपीसीआई का हमने आपसे फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समर स्मारक की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई है? 25 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का 5वां संस्करण भारत और इंग्लैंड के बीच कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हिंडन एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये शुरू हुआ है। विश्व एनजीओ, ठीक है, दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है, अमेजोन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में टॉप 10 में एकमात्र एशियाई व्यक्ति कौन है? तो टॉप 10 के अंदर मुकेश अंबानी हैं जो कि 9वें स्थान पर हैं। अगर एशिया की बात करें टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं और ऐसे पहले एशियाई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया है? 27 फरवरी को। सबसे ज्यादा भाषा यानी 17 भाषाओं में फिल्म को संपादित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसका नाम दर्ज किया गया है? श्रीकर प्रसाद का। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जादव पायेंग। और देखिए, जादव पायेंग को हम लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को। इसके बाद क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहिद्दीन यासीन। एटीपी मैक्सिको ओपन खिताब 2020 किसने जीता है? राफेल नडाल ने। मिर्ची महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत किसने की है? ओम बिरला ने। और एडीबी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? 4 मिलियन USD। ठीक है, नोकिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष कौन होंगे? इनका नाम होगा पेक्का लुंडमार्क, जो कि 1 सितंबर से ये नोकिया के सीईओ बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न याद रखिएगा, हस्तशिल्प और दिव्यांग शिल्पकारों एवं उद्यमियों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला का शुभारंभ किया गया है, तो वो कहाँ पर किया गया है? एकम मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़ का पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसमें नंबर 1 पर रहा, जो कि अगर बात करें इसको कि मेडल कौन कौन से मिले, 17 स्वर्ण पदक मिले, 19 रजत पदक मिले और 10 कांस्य पदक मिले। ठीक है, अगर इस सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 17, 10, 27 और यहाँ पर 9, 35, 10, 45, टोटल होगा 45। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दरवाजे तक डीजल पहुँचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है फ्यूल हमसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस या वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का 19वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके बाद क्वेश्चन है, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? 3 मार्च को। 2021 में होने वाली भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा पुणे। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस प्रकोप के चलते आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की मदद के लिए कितने बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 12 बिलियन अमरीकी डॉलर। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का 68वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? जादव पायेंग को। और देखिए, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गया, तो दोनों को याद रखिएगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं, जादव पायेंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरसैंण इसका नाम है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का
चौथा संस्करण किसने आयोजित किया? आंसर होगा नीति आयोग। भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया है? अजय भूषण पांडे को। उसके बाद क्वेश्चन है, सेबी ने निवेशकों के लिए ऑनलाइन शिकायत करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है सेबी स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जनेज जानसा। नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, आपके एसएससी के एग्जाम के लिए याद रखिएगा। चापचारकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मिजोरम। ये जो उत्सव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? 7 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया। और इसके लिए जो 2020 की जो थीम थी ये थी इच फॉर इक्वल, ठीक है, हैश के साथ याद रखिएगा, हैश इच फॉर इज इक्वल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय क्या था? आई एम जनरेशन, आई एम जनरेशन, ये इसका थीम था। आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ये पूरा है याद रखना है, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। इसके बाद है, यहाँ पर भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिमल जुल्का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो बिम्स्टेक समिट 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन सितंबर 2020 में कौन करेगा? आंसर होगा श्रीलंका। और 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरण प्लॉट, ठीक है, किरण पोलार्ड ये खिलाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर, आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है प्रिजर्वेरेंस, ठीक है। देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? आंसर होगा गुजरात। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला उप निरीक्षक DIG कौन बनी है? नूपुर कुलश्रेष्ठ। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड किसने जीता? पीवी सिंधु। और किस संस्था ने दुनिया भर में फैल चुके कोविड-19 को आधिकारिक रूप से महामारी घोषित कर दिया है? तो आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के अनुसार वहां का राष्ट्रीय नारा क्या होगा? जॉय बांग्ला। फगली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मनाया गया है ये फगली फेस्टिवल। गूगल ने किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? आंसर होगा दिल्ली। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो ये 2 स्थान है। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उपनिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नुपुर कुलश्रेष्ठ, यही हमने आपको बताया था, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले चार्ज करता था कि मिनिमम बैलेंस जो है वो 2000 होना चाहिए, कहीं पर ये 5000 था, ठीक है, कहीं पर 1000 था। तो इस तरह से ये जो सीमा थी ये लिमिटेशन को इसने समाप्त कर दिया है, अब जीरो बैलेंस भी रखा जा सकता है। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा 46वां। फेसबुक ने किस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है? तो इसका नाम है प्रगति। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर होगा लेह। भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उस कंपनी का नाम है क्वालकॉम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत होगा। इसके बाद है, HIL यानी HIL इंडिया ने हाल ही में
किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसके बाद है, विश्व प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? आंसर होगा अनुच्छेद 142। नए उद्यमियों के लिए सिडबी के द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? स्वावलंबन एक्सप्रेस। किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने की योजना है? तो आंसर होगा जापान। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदार बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये 83 तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। लोकसभा में पारित विमान संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में कितने नियामक संस्थानों को वैधानिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? आंसर होगा 3। इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड, यानी प्रमोशन में आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा SC ST को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस बैंक ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विकासशील सदस्य देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है? आंसर है एशियाई विकास बैंक, यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है? तो आंसर होगा दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दक्षिणी राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए किस स्थान पर एक पीठ का गठन किया गया है? आंसर होगा चेन्नई। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता? आंसर होगा ATK। आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसे हाल ही में राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है, इनका नाम है अश्विनी लोहानी। इसके बाद प्रश्न है, इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? अदनान जुर्फी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो आंसर होगा फ्रांस। भारत में बने किस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी? आंसर होगा तेजस। इसके बाद प्रश्न है, नास्कॉम फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर होगा 5.3%। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? 24 सप्ताह, यानी जो 20 सप्ताह था इसको बढ़ा करके 24 सप्ताह का विधेयक कर दिया गया है पारित। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्यसभा के द्वारा हाल ही में कितने विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ऐसे 3 यूनिवर्सिटी हैं। सार्क COVID-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बशीर अहमद खान को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? आंसर होगा रंजन गोगोई। इसके बाद प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया जाता है? 15 मार्च को। और किसने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा शुरुआत की है? तो गूगल ने शुरू किया है डीजी पाइवोट। इसके बाद है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी पोर्टल जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकेगा? तो यह आंसर होगा भूमि राशि। वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है? आंसर होगा सौराष्ट्र। इसके बाद प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है? राजस्थान। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने को मंजूरी दी गई है? नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल।
उसके बाद क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके बाद है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 144वां। भारत के किस पर्वतारोही ने सातों महाद्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड हासिल किया है? सत्यरूप सिद्धांत। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? दो दवा को। इसके बाद यहाँ पर है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च 2020 को अपने अपने घरों में रहने का ही आह्वान किया था? तो इसका नाम था जनता कर्फ्यू। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व गोरैया दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा अमेरिका। राज्यसभा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर के कितने लाख करोड़ रुपए को हाल ही में मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। विश्व तपेदिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान में किया जाएगा? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। वह पहला देश जिसने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? तो आंसर होगा कनाडा। उसके बाद क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया है? 30 हजार करोड़ रुपए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई GOV कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? आंसर होगा व्हाट्सएप। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों का बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? आंसर होगा हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। भारत और किस देश की नौसेना ने रीयूनियन आइलैंड से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? आंसर होगा फ्रांस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा फ्रांस। विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे जो है, ये प्रत्येक साल किस दिन मनाया जाता है? 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। US आर्मी के नए डिवीजन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, इस नए डिवीजन का नाम क्या है? US स्पेस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूह को दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने लाख रुपए देने की तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे? तो ये जो घोषणा हुई है, 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण जो है कर्ज दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को जो है वो मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? 2000 अरब डॉलर। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने वर्ष के लिए 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? आंसर होगा 5 वर्ष। किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है? ये किया था यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस संस्था ने COVID-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो 3.6% तक इसको कम कर दिया गया है। हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? आंसर होगा जापान। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए PM केयर फंड में कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 500 करोड़। इसके बाद क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में
लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप प्रज्ञम शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है? 10 करोड़ डॉलर। इसके बाद हाल ही में G20 समूह के देशों के द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? यह किया गया सऊदी अरब की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारत सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो अभी वो आंसर होगा इसका 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने COVID-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो ये की गई है 20 रुपए की औसतन वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिकेट बोर्ड जिसने हाल ही में COVID-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 6 करोड़ 10 लाख पौंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने COVID-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल जीएसटी राजस्व यानी जो कि ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कहलाता है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? तो 8% की कमी आई है। इसके बाद है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार COVID-19 की कितने अर्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं? 3 तरह की। हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो ये DRDO ने किया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की राशि मदद के रूप में दी जाएगी? तो आंसर होगा 500 रुपये। ठीक है, किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों के मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है? विश्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस एक अलग चैनल की शुरुआत की है? फुल्ली एक्सेसिबल रूट। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अर्थ आवर 2020 की जो थीम है वो क्या है? तो अर्थ आवर 2020 की थीम है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये आरोग्य सेतु बहुत ही फेमस ऐप है, इसको याद रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है ये भारतीय केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है COVID-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए। इसी पर ई पास भी जारी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्था जिसके अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है? ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? इसका नाम है ई नाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया? ओडिशा ने। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका की नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? कोबे ब्रायंट को। अगला प्रश्न है, फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो ये भारत में होने वाला था। एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? चीन। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? पर्यटन मंत्रालय ने। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कितने स्थान पर बरकरार है? तो आंसर होगा 2रा। इसके बाद है, किस भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में कोची के पुलुरुत्थी में स्थित जो आवास है उस पर निधन हो गया? तो आंसर होगा मलयालम के ये मशहूर संगीतकार थे M.K. अर्जुन। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है?
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए आदेश के बाद किस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थल पर एंटी स्मॉग गन उपकरण लगाए गए हैं? तो ये दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? आंसर होगा उत्तर कोरिया। और किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा, इसका आंसर होगा भारत। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। और हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत जो है रोहित शर्मा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वह संस्था जिसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? आंसर होगा IMF के अनुसार। अगला प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? तो अगले 5 वर्ष के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? WHO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $50 करोड़ की जो अमेरिकी राशि मिलती थी, वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चागास रोग दिवस वर्ल्ड चागास डिजीज डे किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन। डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? आंसर होगा अमेरिका। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? कॉलब कैट को। अगला प्रश्न यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? ये सब जो हो रहा है कोविड-19 की वजह से हो रहा है। ये अनुमान 1.9% का लगाया गया, 1.9% का भारत की GDP का, और ये किसने लगाया? IMF ने ये अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया है? 13 अप्रैल को। किस देश ने भारत को $15.5 करोड़ की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका ने। और हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने के लिए भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है? आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर है उसका नाम है भारत। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ, इसका उत्पादन और निर्यात में जो पहले स्थान पर है वो है भारत। RBI ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान के लिए कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं, यानी EMI पर जो ये 3 महीने की छूट दी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। इसके बाद प्रश्न है, द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की उम्र में उसका जो है उनका निधन हो गया है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन करने में जो देश प्रथम स्थान पर था उसका नाम है चीन। कोविड-19 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? ई रक्त कोष। इसके बाद यहाँ पर है,
अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? IM बैडमिंटन एक जागरूकता अभियान है जो कि इसके एम्बेसडर के रूप में PV सिंधु को चुना गया है। ये जो किस खिलाड़ी को चुना गया है? PV सिंधु को। किसके द्वारा? विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा, और इसी के द्वारा चलाया गया ये IM बैडमिंटन एक अभियान है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट इन समेत सभी तंबाकू पदार्थ के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? आंसर होगा झारखंड। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने COVID-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? कोविड इंडिया सेवा। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी TCS कंपनी। ठीक है, अगला प्रश्न है। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? तो 7 साल की सजा हो सकती है। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? 142वें स्थान पर। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? आंसर होगा ईरान। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? 3 करोड़ डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने के लिए कहा है? आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड किस राज्य के सरकार किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? देखिए, ये योजना है मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना। इसको किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च। अगला प्रश्न है। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर होगा पुलेला गोपी चंद। नेक्स्ट है। वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? तो आज आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो 9.99% जो है फेसबुक खरीदेगा जियो प्लेटफॉर्म के अंदर में हिस्सेदारी। अगला प्रश्न है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? सुदर्शनम बाबू को। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और COVID-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? आंसर होगा 6। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो आंसर होगा गूगल। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। इसके बाद क्वेश्चन है। किस देश ने भारत के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? आंसर होगा चीन। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माह के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा किसान रथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो आंसर होगा TVS। नेक्स्ट है, COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने के लिए वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? आंसर होगा केरल। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 18 अप्रैल। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विश्वनाथन आनंद को। हाल ही में किस बैंक ने अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग की सेवा शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति को। हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय। वह मशहूर बैंकर किसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? सुरेश N. पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ता ने भारत में COVID-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रकीर्ति, इसको डेवलप किया है? IIT दिल्ली ने। वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर एक वर्ष के लिए बैन लगाया है, तो ये हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से होने की मौत अगर हो जाती है तो उनके परिजन को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए की। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो आंसर होगा भारत। और हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ये किया है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो भारत इसमें 53वें स्थान पर है। इसके बाद है, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? आंसर होगा सर्बिया। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो यह जर्मनी ने किया है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत इसमें 3रे नंबर पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? मनीषा सिंह को। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQ जो कि एक मेडिसिन है, इसकी 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? ये भारत ने दिए हैं। किसको दिए हैं? बांग्लादेश को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? सऊदी अरब। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए जो है कि विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है?
तो ये किया है कर्नाटक ने। इसके बाद है वह राज्य सरकार जिसने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? मनीषा सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी HCQ को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा मैक्सिको। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिण द्वीप में से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर होगा चीन। और हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? DPS नेगी। हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है आयुष कवच। इसके बाद है हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स की लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में मुकेश अंबानी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्र सेतु। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया गया? 4 मई को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? 12.2 करोड़। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये मई के हिसाब से ये डेटा है। अगला जो है ये मई 2020 के बारे में हमने आपको यहाँ बताया। हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? आंसर होगा रॉस टेलर को। उसके बाद है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। उसके बाद है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 3 मई को। और विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत जो है वो कितने स्थान पर पहुंच गया? 74वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों की जो के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? आंसर होगा भारत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? बाबर आजम को। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ये किया है इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GI टैग याद रखिएगा। काफ़ी समय से कुछ GI टैग नहीं मिल रहे थे, अब उसके बाद जो है वो GI टैग फिर से इस बार जो दिया गया है, ये नए नाम आपको याद रखना है। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, ठीक है, 2020 में ये मिला है। उसके बाद है तेलिया रुमाल, ये कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। तेल से आप याद रखिए, तेलिया रुमाल तेलंगाना। उसके बाद सोहराई खोवर पेंटिंग, ये झारखंड में। और आगे एक क्वेश्चन और है जो आपको याद रखना है, हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत दिया गया है? चाकहाओ या फिर काले चावल को जो GI टैग मिला है, ये कहाँ का है? मणिपुर का। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए GI टैग के। अगला एक क्वेश्चन और है जो GI टैग का आपको याद रखना है,
किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा केसर। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन जीआई टैग के आपको याद रखना ही रखना है। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती को। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इस योजना को शुरू हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर होगा कर्नाटक। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? आंसर होगा बेंगलुरु हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। इसके बाद है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों के द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख के लिए बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक। आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना जरूरी है, ठीक है, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना यानी जोड़ना जो है, इसकी जो डेडलाइन थी उसको सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाया है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार ये योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया है एफआईआर आपके द्वार। तो आप घर बैठे किसी भी तरह की प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर होगा 40.45 टन। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस जिस दिन मनाया जाता है इसका नाम है 21 मई। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है, भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दिलीप उम्मैन को। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? आंसर होगा चीन। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मई। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटला को। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। इसके बाद है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन है, वह देश जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो इसका नाम हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान तूफान यानी साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000 करोड़। उसके बाद है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। इसके बाद है क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? आंसर होगा कर्नाटक। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो आंसर होगा 5। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है? न्यूजीलैंड। विश्व दूर संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जेनेवा में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ई विद्या। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने पर संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है 3 वर्ष तक। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। और वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है, तो ये 36। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसके लिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया है? ये होगा 40,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है? 400 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। वह राज्य जिसने हाल ही में लाख की खेती यानी लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 36। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? आंसर होगा वियतनाम में मिला है ये 1100 साल पुराना शिवलिंग, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मिला है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बन गई है? नाओमी ओसाका। कहाँ की खिलाड़ी हैं? जापान की। इसके बाद है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जिसको सेबी कहते हैं, ये सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनी एचआईएल लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? ईरान। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में टिड्डियों की जो न्यूज है वो काफी है, ये फसल को नष्ट कर रहा है टिड्डी, और ये काफी संख्या में झुंड बनाकर जो ये एक खेत से दूसरे खेत में इस तरह से प्रवेश करते हुए ये ईरान से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत इन सभी जगहों पर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये ईरान के लिए जो है ये भारत जो देगा 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकडा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? आंसर होगा रूस। उसके बाद है विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? 28 मई को। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों तक कर दिया है? 120 दिन तक। इसके बाद है हाल ही में कौन सा राज्य 800 किलोमीटर सड़क को हड़बल सड़क के रूप में विकसित करेगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? आंसर है अमेरिका। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? आंसर होगा 8। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? आंसर होगा सुमन गवनी। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर होगा जानवी फुकन। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? आंसर होगा इसराइल। हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर होगा मिजोरम।
और किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? तो आंसर होगा चीन। किस राज्य ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया? आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। सबको रोजगार मिलेगा ये एक योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? 1,000 करोड़ रुपए की। और इसी तरह यही जो चक्रवात अम्फान आया था ओडिशा के लिए भी प्रभावित हुआ था, ये ओडिशा भी प्रभावित हुआ था इससे, इसके लिए जो है वहाँ 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। तो याद रखना है बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषणा और ओडिशा के लिए 500 करोड़ के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। किस राज्य ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम के एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा आभास झा। हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, आपने नाम सुना होगा पीपीई किट की कमी है भारत में कोरोना वायरस में, इस नाम को आपने सुना होगा कोरोना कोविड-19 का जो ये इस वक्त प्रकोप है पूरी दुनिया पर, तो पीपीई किट होती है जिसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मरीज का इलाज करते हैं ताकि उनमें वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन या कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो सके। तो ये पीपीई किट जो है ये दुनिया का कम सबसे कम समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है भारत। ठीक है, पहले भारत के पास खुद ही ये पीपीई किट नहीं होता था, लेकिन अब इसी चीज को देखते हुए भारत ने इतनी तेजी से इसका प्रोडक्शन किया कि भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है पीपीई का। पीपीई का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है ये, ठीक है, एक मेडिकल टर्म है जिसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अब तक के जनवरी से लेकर के अब तक के सभी क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।